महाराष्ट्र में अब की बार बन सकती है त्रिकोणीय सरकार। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में गठबंधन के संकेत। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, 5 साल चलेगी गठबंधन की सरकार। महाराष्ट्र में कल राज्यपाल से मिल सकते हैं शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस नेता। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात का मांगा वक्त। शिवसेना की सीएम पद की चाह हो सकती है पूरी। एनसीपी नेता नवाब मलिक बोले, शिवसेना का ही सीएम बनेगा। संजय राउत ने भी सरकार बनाने का किया दावा। महाराष्ट्र पर कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी से हाईकमान नाराज। कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी से हो सकता है नुकसान, सूत्रों के हवाले से खबर। नेताओं को मीडिया के सामने बोलने की मनाही। आर्थिक मोर्चे पर फिर आई बुरी खबर, 40 साल में पहली बार घटा उपभोक्ता खर्च। 2011 से 2012 की तुलना में 3.7% की गिरावट। अयोध्या मामले में बीजेपी नेता मनसुख बसावा की बेतुकी बयानबाजी, कहा केंद्र में है अपनी सरकार, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में आया फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुमला इलाके में चीनी सीमा के नजदीक स्थित फॉरवर्ड पोस्ट का किया निरीक्षण, कहा भारतीय और चीनी सेना सीमा पर सूझबूझ से ले रही है काम। सीजीआई रंजन गोगोई के कार्यकाल का आज आखिरी दिन, अंतिम दिन 3 मिनट में जारी किए 10 नोटिस। जस्टिस एसए बोबड़े होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस। दिल्ली में ऑड इवन को बढ़ाने पर सीएम केजरीवाल का बयान, कहा सोमवार को स्कीम बढ़ाने पर होगा अंतिम फैसला। 4 से 15 नवंबर के लिए लागू था ऑड इवन। सरकारी बंगलों पर कब्जे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और अन्य सरकारी अधिकारियों की मांगी लिस्ट। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत खत्म करने के लिए दायर ईडी की याचिका खारिज। सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी को लगाई फटकार। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर का बुरा हाल, सफेद धुंध ने शहरों पर जमाया कब्जा। कई इलाकों में फिर 500 के पार पहुंचा AQI। कश्मीर पर नाराज, भारत को बनाने के लिए मलेशिया का दाव, प्रति टन तेल पर $5 की छूट दे रहा कुआलालंपुर। लाखों एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स की फोटो और डेटा खतरे में, क्वालकॉम प्रोसेसर वाले एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर प्राइवेट डेटा चोरी का खतरा। आज भी बढ़े पेट्रोल के दाम, देश की राजधानी दिल्ली में 18 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन स्थिरता। ट्रेड फेयर के पहले दिन उमड़े व्यापारी, बिहार पवेलियन ने लोगों को लुभाया, यूपी पवेलियन में दिखी अयोध्या की झलक। राहुल द्रविड़ को हितों के टकराव मुद्दे पर बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर ने दी क्लीन चिट, तथ्यों के आधार पर नहीं बनता कोई मामला। T20 मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कमाल, भारत ने विंडीज को 7 रनों से दी मात। भारत के लिए जेमी माह ने बनाए नाबाद 40 रन। चिल्ड्रंस डे के मौके पर सोहा अली खान ने शेयर की एक फोटो, आइसक्रीम खा रहे तैमूर को ललचाई नजरों से देख रही बहन इनाया, सोशल मीडिया पर लोगों ने किया पसंद। फिल्म पानीपत को लेकर विदेश में शुरू हुआ बवाल, पाकिस्तानी अमेरिकी कॉलम राइटर ने फिल्म में एक्टर संजय दत्त के लुक को लेकर उठाए सवाल, कहा अब्दाली के रोल में फिट नहीं संजय।